नमस्कार दोस्तों, बबलू डेली में स्वागत है। ये दो चार वीडियो मैं एक ही हफ्ता में सेट मतलब शूट कर लेता हूँ और उसको धीरे धीरे अपडेट करता हूँ कि सब वीडियो को एडिट करना रहता है ना। तो इस वीडियो में मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि मेरे पास कुछ स्पेशल कलर हैं जो आप नहीं देखे होंगे, या हो सकता है कि बहुत कम ही देखे होंगे, नर्सरी में नहीं जल्दी मिलेगा। तो वो कलर क्या है आप दोस्तों ये देख सकते हैं, ठीक है। मैं पिछले एक दो साल से इसको रखा हूँ, ठीक है। और ये इतना लवली कलर है कि जेंट्स को तो शायद पसंद आए या ना आए, लेकिन लेडीज़ को बहुत ज़्यादा ही पसंद आएगा, क्योंकि ये नेल पॉलिश जो थम्सअप का जो कोको कला कलर होता है, जो हम लोग थम्सअप कोको कला जो हम लोग पीते हैं, उस कलर का ये फूल है। तो और प्लस उसमें देखिए ये वाइट वाइट जो रेघारी है, इसकी सुंदरता और बढ़ा रही है। अब रह गया कि मुझे ये प्लांट आया कहाँ से और प्लस मैंने इस प्लांट को क्या किया, ठीक है। तो ये प्लांट तो हम लोग को देखिए, हम लोग हैं इंडिया लेवल में, लोग खोजते रहते हैं कि इंडिया में क्या चल रहा है और कौन सा प्लांट कहाँ आ रहा है और कहाँ जा रहा है, ठीक है। हम लोग का सर्किल चलता है, हम लोग को जो भी फ्रेंड हैं, मेरे बिग बिग फ्रेंड हैं, कुछ यूट्यूबर लोग हैं, तो हम लोग आपस में बातचीत करते रहते हैं। यूट्यूबर यूट्यूब से मतलब नहीं है, यूट्यूबर का मतलब कि गार्डनर मतलब वो उनका भी चैनल है प्लांट संबंधित, या उनको प्लांट में इंटरेस्ट है, कौन सा प्लांट किसको मिल रहा है, कहाँ जा रहा है। तो हम लोग सर्च करते रहते हैं और हर पल कोशिश करते हैं कि हमें भी मिल जाए। जैसे मेरी ख्वाहिश थी इंडिगो ग्लेज की, मैंने नीला कलर देखा पिक्चर में और मैं अपनी आत्मा में ये ख्वाहिश किया कि ये कलर मुझे चाहिए ही चाहिए, चाहे कहीं भी हो, कहें ना मुझे अब विदेशी जाना पड़े, ठीक है। और उस कलर को पाने के लिए मैं बहुत लड़ाई था और देखिए आज की डेट में मेरे पास इंडिगो ग्लेज का भरमार है और मैं कितना इंडिगो ग्लेज की कितना मतलब बिक्री कर दिया। तो रह गया कि ये भी कलर बहुत रेयर कलर है और इसका भी मैंने कुछ ग्राफ्टिंग किया है, कुछ दोस्तों को मैं दे भी चुका हूँ, ठीक है। जो मेरे सर्किल में बहुत मतलब जिगरी दोस्त हैं, नज़दीक हैं, चाहे जो भी मेरे फ्रेंड लिस्ट में बहुत अच्छे इंसान हैं, उन लोगों को मैं दे चुका हूँ, ठीक है। और रह गया कि अब इसको मैं पहचानूंगा कैसे, ठीक है। तो अभी तक तो कुछ नामकरण इसका नहीं किया था, कोड भी नहीं डाला था, क्योंकि मैं न्यू वैरायटी के नाम से जानता, लेकिन मैं इसको अब कोको के नाम से पहचानता हूँ, ठीक है। अगर आप कोको बोलिएगा तो मैं इस प्लांट को ही इंडिकेट करूँगा, ना कि दूसरा प्लांट को, ठीक है। बोलिएगा कि हमको कोको का पिक्चर चाहिए या जो भी है, ठीक है। तो ये पिक्चर बहुत ही रेयर चीज़ है और मुझे नहीं लगता है कि इस टाइप का प्लांट नर्सरी में, कोई भी नर्सरी में इजी रेट में मिलेगा या इजी तरीका से मिलेगा या नर्सरी में अवेलेबल होगा, ठीक है। बहुत ही गिने चुने लोगों के पास ही ये प्लांट कोको होगा, ठीक है। तो इसको मेरा तो ये बहुत पसंद वाली चीज़ है। तो बस इतना ही वीडियो में दिखाता था कि ये रेयर रेयर प्लांट कुछ कुछ है मेरे पास। ग्रीन क्या होता है, ग्रीन एडेनियम बहुत कम ही लोग देखे होंगे, पूरे तरह खिला हुआ, मतलब छोटा ग्रीन नहीं, वो अमरूद का फूल की तरह नहीं, ग्रीन का मतलब कि इसके साइज का फूल, ठीक है। ये बड़ा फूल मैंने अपनी आंखों से देखा है और उस प्लांट को फुल फ्लावरिंग पर लेके आया भी था घर पे, लेकिन अभी वो मेरे यहाँ भी खिल नहीं रहा है, इसी चलते मैं उसको दिखा नहीं पा रहा हूँ। वो भी जब खिलेगा तो आपको दिखाऊँगा तो अच्छा फील होगा। तो यही रह गया कि मेरे पास कोको आ गया है और कोको तो बहुत है, मतलब पिछला साल भी मैंने बहुत लोगों को दिया और इस साल भी बना रहा हूँ। और हाँ, मैं जितना भी ग्राफ्टिंग किया हूँ ये साल, ठीक है, आपको मार्च से और फरवरी से लेके जितना भी ग्राफ्टिंग किया हूँ, लगभग 85% to 90%, ठीक है, मेरा लग गया, मेरा ग्राफ्टिंग सक्सेसफुल हो गया। एक दिन मैं गार्डन का पूरा अपडेट दूंगा कि देखिए क्या साइज़ में हुआ है, क्या हाइट में हुआ है, वो आप देख सकते हैं। और बहुत लोग बोलते हैं कि मुझे प्लांट चाहिए, ख़रीदना है, मैं किसको बोलूँगा कि मैं बेचता हूँ या नहीं बेचता हूँ, मैं साइलेंट रहता हूँ। और मेरे पास अभी है भी, मेरा टोटल प्लांट बुकिंग चलता है, मतलब बुक हो जाता है ऑलरेडी, ये चला जाता है, मैंने कि मैं मुझे कहीं देना भी नहीं है, ऑलरेडी लोग खरीदा हुआ है पहले से, नर्सरी में मेरे ऊपर हावी है कि हमको ये चाहिए, हमको पूरा टोटल मेरे को दे दो। तो हम किसको बेचेंगे किसको नहीं बेचेंगे हम क्या जानते, ठीक है, इसलिए हम किसी को बोलते नहीं है। अगर हाँ, आप लोगों की रिक्वेस्ट पर अगर आपको प्लांट चाहिए मेरे से, ठीक है, तो आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, मैं तो इंतज़ार ही कराऊंगा भाई, मेरे पास है ही नहीं, मेरे पास एक ही 1000 प्लांट है और 10000 लोग मेरे को ऑर्डर लगा चुके हैं, तो हम कैसे देंगे, किसको क्या देंगे। इसमें बहुत लोग नाराज़ हो जाते हैं कि भाई बबलू रिप्लाई नहीं करता है, बबलू जवाब नहीं देता है, हम किसको जवाब देंगे, किसको रिप्लाई करेंगे।
फ़ोन कॉल भी मतलब ये होता है तो बोलते हैं कि भाई तुम टाइम नहीं देते हो। अरे भाई हम जॉब करते हैं, हम जॉब में भी करते हैं, टफ़ काम करते हैं। अब मैं बैंक में जॉब करता हूँ तो अब उसमें समझिए कि हम कि अपना काम छोड़ के फ़ोन पर थोड़ी बात करूँगा। 10-20 कस्टमर मेरे सामने मतलब जो भी बैंक में कस्टमर लोग आते हैं मेरे उनसे करना रहता है काम धाम, तो असंभव है। मतलब हम किसी को ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते। फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग को मैं प्लांट अवेलेबल कराऊं, लेकिन उसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन अब रह गया कि अगर आप कहीं और ख़रीदना चाहते हैं तो देखिए, मैं सेलर नहीं हूं, मैं हमेशा बोलता हूं कि मैं सेलर नहीं, मैं शौक से काम करता हूं और गार्डनर हूं, मुझे प्लांट में मन लगता है। प्लस इसके ज़रिए थोड़ा मोड़ा हमारा वो हो जाता है तो मैं कुछ नया वैरायटी खरीद लेता हूं, थोड़ा मोड़ा बिक्री हो गया आपकी। मतलब इतना थोड़ी है कि हम इसको बेच के मेरी जीविका चल रही है, मेरी जीविका और कहीं भी है, ठीक है। तो कहने का मतलब कि ये शौक में काम चल रहा है, ना कि पूरा ये इस पर हो रहा है। टूटा फूटा सेड लेके मैं काम कर रहा हूँ, बिग नर्सरी मैन रहता तो पूरा फार्म हाउस बना के रखता और आराम से पैसा कमाता, लेकिन ऐसा नहीं। छोटा मोटा प्लास्टिक खरीद लिया, ऊपर से ढक लिया, ग्राफ्टिंग कर लिया, कुछ सब 500-1000 प्लांट कर लिया, बस उतना ही में मेरा चल रहा और कुछ नहीं कर रहा, ठीक है। और मेरे पापा उधर खेती वगैरह भी करते हैं, साग सब्जी वगैरह सब लगाते हैं, तो वो भी मतलब मन लगा रहता है, अपना अपना इंटरेस्ट। अब उनको कहीं कब खेती से उनको प्लांट चल रहा है तो उन भी जॉब भी उनका भी अपना काम धंधा है, अपना एक्स्ट्रा वर्क इसमें देते हैं ताकि आदमी को, देखिए हर आदमी को होता है कि इंटरेस्ट किसको क्या चीज़ में इंटरेस्ट है। किसी को सिनेमा देखने में इंटरेस्ट है, किसी को घूमने में इंटरेस्ट है, किसी को बस खा पी लिया दिन भर, इधर मस्ती उधर मस्ती, ठीक है, इधर गया उधर गया मस्ती घूमने, मतलब इंटरेस्ट। तो हमको इंटरेस्ट है प्लांट में। मैं ज़्यादातर अपना खाली टाइम प्लांट में देता हूँ और मेरे पिताजी खाली टाइम अपने वो साग सब्जी वगैरह जो भी उनको लगाना है वो करते हैं। अब थोड़ी उतना में अब मेरा पूरा परिवार चल रहा है, हम लोग खरीदते भी हैं। तो कहने का मतलब कि ये आपको वेट करना पड़ेगा। देखिए वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन नॉलेजफुल वीडियो है और प्लस आपके फ़ायदे के लिए ही वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो को अभी एक मिनट और चलेगा, बिल्कुल ही आप इसको स्किप ना कीजिए। क्यों? देखिए बहुत लोग कहते हैं कि बबलू एडेनियम कैसे मैं आपको कांटेक्ट करूं, कैसे मैसेज में तो जब मैं जवाब देता नहीं हूं, मेरा नंबर आपके पास है नहीं, तो आप हमको कैसे कांटेक्ट कीजिएगा। देखिए दो तरीका है कांटेक्ट करने के लिए मेरे पास। आप कमेंट में तो मैं नंबर दूंगा नहीं, क्योंकि हम कितना को रिप्लाई करेंगे, हम रिप्लाई देते ही नहीं है, ठीक है। थोड़ा मोड़ा लोगों को दे दिया, लेकिन इतना टाइम ही नहीं है कि हम बार बार मोबाइल खोलेंगे और सबको रिप्लाई देंगे। सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, 500-1000 तक तो कोई थी, अब तो अब 7000 प्लस चले गए, कुछ दिन में 10000 प्लस चले जाएंगे, कुछ दिन में 20000 प्लस चले, मैं कितने लोगों को बोलूँगा, ठीक है। तो इसके लिए सॉरी, मुझे माफ़ कीजिएगा। और फिर भी अगर मेरा नंबर चाहिए, हमसे बात करने के इच्छुक हैं, तो हम बात करेंगे, लेकिन ज़्यादा देर तक बात नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम और भी काम करते हैं। तो उसके लिए आपको मेरा फेसबुक आईडी को फॉलो करना पड़ेगा या फेसबुक आईडी पर जाना पड़ेगा, बबलू एडेनियम के नाम से है, ठीक है, और मेरा ही फिगर लगा है, उसे खोज लीजिएगा। उसमें मैं अपना नंबर दिया हूँ एल्बम में, ठीक है, अपलोड फ़ोटो में खोलिएगा, उसमें मेरा दो नंबर होगा, उससे वहाँ से मेरा नंबर ले सकते हैं। प्लस आप मेरे इंस्टाग्राम में फॉलो कीजिए, बबलू एडेनियम नाम से मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, और उसमें अपना मैं जो नंबर है उसको मैं पोस्ट उसको डालने वाला हूँ। मैं अपना दो नंबर वहाँ डालने वाला हूँ, दोनों नंबर चालू रहेगा, किसी पर कॉल कीजिएगा लगेगा, कॉल रिसीव होगा ज़रूर। अब मेरा आ गया बात करने का टाइम, मेरे पास रहेगा तो बात करूँगा, नहीं टाइम रहेगा तो फिर टाइम दूँगा कि इस टाइम फ़ोन कीजिए। हम केब कब फ्री रहते हैं बात करने के लिए? हम बात करने के लिए फ्री रहते हैं एक आध घंटे के लिए, एक आध घंटे के अंदर आप जितना लोगों का आया मैं कर लिए काम। तो शाम को लगभग 7-8 बजे से लेके 9-9:30 बजे तक मैं एक्टिव रहता हूँ, फ़ोन कॉल से बात करते रहता हूँ, क्योंकि उसी टाइम मैं फ्री रहता हूँ, बाकी दिन भर तो मैं बैंक में जॉब में। तो बस इतना ही था। अगर आपको मेरा ये नॉलेज अच्छा लगा और आप हमारे से इम्प्रेस हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक जरूर कीजिए, और अपने ये बबलू भाई को मतलब छोटे से आप ही को पहुंचाना है, हम तो अकेले जाएंगे नहीं, आप ही के बल पे चलेंगे, तो प्लीज़ ये तो कर ही सकते हैं। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।